दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। दोस्तों, कई बार आप देखे होंगे कि जब कोई भी एग्ज़ाम का आप रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं तो कई बार आपके सामने पिक्स आती हैं, फ़ोटोज़ आती हैं ऑफिशियल वेबसाइट की, जिसमें आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन के जस्ट ऊपर जहां पे रिजल्ट कॉर्नर रहेगा वहां पे आपका रिजल्ट शो हो रहा होगा, जबकि रिजल्ट तो अभी पब्लिश हुआ ही नहीं है। कहने का मतलब ये कि कई बार आप ऐसी फ़ोटोज़ देखते हैं वेबसाइट्स की जिसमें इतनी शार्प एडिटिंग होती है कि आप समझ नहीं पाते कि रियल है या फिर फेक है, और आप उससे भ्रमित हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसका दो उद्देश्य रहता है, और मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कभी भी इनका प्रयोग कभी किसी को भ्रमित करने के लिए करें, बल्कि आप सीखने के उद्देश्य कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स रहती हैं उसमें आम जन लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है ऐसी न्यूज़ चला के, लोग समझ नहीं पाते कि रियल है फेक है, क्योंकि इतना जेन्युइन लगता है। तो आज इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी वेबसाइट है उसमें कैसे आप मैनुअल ऑब्जेक्ट और एनी टेक्स्ट इंसर्ट कराते हैं जो कि एकदम रियल दिखता है, जबकि वो होता है असल में फेक है। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक्चुअली मेरे पास कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है कंप्यूटर में, क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब है, इसीलिए मैं आपको एक दूसरे कंप्यूटर में स्क्रीन का कैप्चर करूँगा एंड आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। आप हमारे साथ आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट है, आपको आपके कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करना है। ये जो F12 है तो इसे जैसे आप प्रेस करें तो आपके सामने आ जाएगा डेवलपर का ऑप्शन, या फिर अगर आप वो नहीं प्रेस करते हैं दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको जाना है 3 डॉट्स पे, यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे जाना है आपको मोर टूल्स पे, उसके बाद आपको जाना है डेवलपर टूल्स पे। मैंने ऑलरेडी एक इस पर वीडियो बनाया था किस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप यहाँ पे कोई भी एडिट करते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है डेवलपर टूल के बारे में तो आप डेवलपर टूल इन गूगल क्रोम, डिजिटल सॉफ्ट हब, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आप देख पाएंगे वो वीडियो। दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ पे जो सिलेक्ट एलिमेंट है आप इसे सिलेक्ट करिए एंड यहाँ पे इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करिए। लाइक अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो कोड आ जाएगा जो इसके लिए स्पेशली है। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, एडिट HTML पे जाना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये UL है, UL जो पहला वाला है ये बुलेट्स के लिए है यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, इस आइटम पे जाएंगे एंड ज़रा सा आप और ज़्यादा यहाँ पे डाउन पे आइए, इसे सिलेक्ट कर लीजिए। LI तक आपको बेसिक HTML आना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। देन आप इसे कॉपी करिए, देन आपको जाना कहाँ है, इसके जस्ट ऊपर, क्योंकि आप जस्ट ऊपर पेस्ट करने वाले हैं। देखिए, मैं अलाइनमेंट नहीं दे रहा है, अलाइनमेंट देने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अलग से अलाइनमेंट का यहाँ पे टैग देना है। मैं आपको जनरली यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पे आप ये UL दे दिए हैं एंड उसके ऊपर आपका जो ये वाला ऑप्शन है ये आपका अभी आपने ऊपर एड किया है, तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए रिज़ल्ट ग्रुप 2 एंड SG4। देन अगर जैसे आप यहाँ पे साइट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिएगा आपके सामने एक और ऑप्शन ये ऐड हो जाएगा, रिजल्ट ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 रिक्रूटमेंट 2020। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इसे लर्न कर पाए होंगे कि किस तरह से आप ऐसे एडिटिंग करेंगे। अगर आप इसे और थोड़ी इधर अलाइन कर देंगे तो इधर आ जाएगा। देन इसके बाद करना क्या होता है, लोग ऐसे करते हैं, देन इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये स्क्रीनशॉट हो गया एंड अब देखिए इसे लोग पब्लिश करेंगे, मतलब ग्रुप में सेंड करेंगे। तो इस तरह से कोई भी वेबसाइट में कोई भी मैनुअल ऑब्जेक्ट एंट्री करते हैं एंड यहाँ पे किसी भी कोडिंग की स्पेशली ज़रूरत नहीं होती, बस ज़रूरत होती है उस कोडिंग को समझने की जो यहाँ पे डेवलपर में यूज़ की जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।